जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एयरफोर्स पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके एयरफोर्स स्पेशल जो वोकेबलरी की सीरीज चला रखी है उसका ये पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम आपके सिनोम्स, एंटोम्स, वन वर्ड, ईडियम तथा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके एयरफोर्स एग्जाम के साथ साथ नेवी, कोस्ट गार्ड और एसएससी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने और इसमें आपको सिनोम यानी पर्यायवाची बताना है। तो क्वेश्चन है इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट का आपको यहाँ पे सिनोम बताना है। तो देखिए, इनसॉल्वेंट होता है आपका निर्धन यानी गरीब, तो निर्धन होता है इनसॉल्वेंट, काफ़ी अच्छा वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट हो जाएगा इसका सिनोम वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट भी होता है गरीब, निर्धन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिच, जो कि इसका एंटोम हो जाएगा अमीर। ऑप्शन नंबर सी में है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी होता है अमीर, ये दोनों ही इसके एंटोम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में है स्लूजिस, स्लूजिस होता है सुस्त, सुस्त को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसमें भी आपको सिनोम बताना है। तो क्वेश्चन है आपका एक्सटेसी, तो इस एक्सटेसी का आपको यहाँ पे सिनोम बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सटेसी का हिंदी अर्थ होता है बहुत अधिक आनंद की स्थिति यहाँ पे होती है, यानी सुख, एंजॉय यानी आनंद की स्थिति को बताने के लिए एक्सटेसी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है फिलिसिटी, इसका भी यही अर्थ होता है बहुत अधिक आनंद की स्थिति, खुशी की स्थिति। तो एक्सटेसी और फिलिसिटी एक दूसरे के सिनोम हो जाएंगे। और एक मीनिंग और है ब्लाइज, BLIS, तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोम्स हैं, तो तीनों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्लूमी, ग्लूमी होता है दुखी भरा, उदासी। ऑप्शन नंबर बी में है जुविनल, जुविनल होता है किशोर को बताने के लिए यूज किया जाता है, किशोर। ऑप्शन नंबर डी में है ब्लिक, ब्लिक भी होता है आपका दुखी, उदास। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसमें आपको एंटोम्स बताना है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए एयरफोर्स से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी वीडियोज़ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एंटोम यानी विपरीत अर्थ यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन है आपका कनिंग, तो देखिए फ्रेंड्स, कनिंग होता है छल कपट करना, तो कनिंग होता है छल कपट। और यहाँ पे इसके एंटोम्स की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होनेस्टी यानी ईमानदारी। तो एक तो हो गया आपका छल कपट और दूसरी ईमानदारी, ये दोनों एक दूसरे के एंटोम्स यानी विपरीत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जुल, जो कि इसका सिनोम हो जाएगा कनिंग का यानी। और ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है डिकिट, ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोम्स हैं, कनिंग, जुल और डिकिट, इनका सभी का अर्थ होता है छल कपट करना। ऑप्शन नंबर डी में है बिनिवोलेंट, बिनिवोलेंट होता है परोपकारी। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और इसमें भी आपको एंटोम बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंटोम है आपका जस्टिफाई, जस्टिफाई का आपको यहाँ पे एंटोम बताना है। तो जस्टिफाई होता है आपका स्पष्टीकरण देना, तो स्पष्टीकरण देना इसका एंटोम बताना है, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्प्यूट। इम्प्यूट होता है आरोप लगाना, तो एक तो आप किसी पे आरोप लगा रहे हो और एक उसका स्पष्टीकरण दे रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोम्स यानी विपरीत अर्थ हो जाएंगे, जस्टिफाई करना और इम्प्यूट करना यानी आरोप लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी में है होनेस्ट, ईमानदार। सी में है जुडिशियस, जुडिशियस होता है विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला, जुडिशियस। ऑप्शन नंबर डी में है म्यूचुअल यानी पारस्परिक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव है और इसमें आपको ईडियम फ्रेज यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन है आपका टू ड्राइव होम, तो देखिए फ्रेंड्स, ड्राइव होम होता है आपका, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इम्फेसाइज। इम्फेसाइज यानी जोर देना, इम्फेसाइज करना,
ड्राइव होम का यहाँ पे करेक्ट ईडियम फ्रेज हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें भी आपको ईडियम फ्रेज यहाँ पे बताना है। ईडियम है आपका टू एंड इन स्मोक। तो देखिए फ्रेंड्स, एंड इन स्मोक होता है यहाँ पे कोई परिणाम न निकलना, यानी टू गेट नो रिजल्ट इन लास्ट, यानी अंत में कोई परिणाम न निकलना होता है टू एंड इन स्मोक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, टू गेट नो रिजल्ट इन लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, वन हु नोज फॉरेन लैंग्वेजेज, यानी वह व्यक्ति जो विदेशी भाषाओं को जानता है। तो उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विदेशी भाषाओं का जानकार होता है उसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पे लिंग्विस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिंग्विस्ट जो दिया है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लिंग्विस्ट होता है विदेशी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है पॉलीग्लॉट, ये होता है बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति। तो बहुत सारी भाषाएं, जैसे हमारे इंडिया में 22 प्लस भाषाएं यहाँ पे हैं, तो इन सभी यदि आप भाषाओं को जानते हो तो आप पॉलीग्लॉट कहलाओगे। तो लिंग्विस्ट तो तब होता है जब विदेशी भाषाओं की आप जानकार रहो। तो लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में ये जो डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी है वेटरन। वेटरन होता है अनुभवी पारखी व्यक्ति, किसी एक विशेष क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी में है पिडेंटिक। पिडेंटिक होता है पंडित, यानी पंडिताओं, किसी मतलब अपना ज्ञान देने वाला व्यक्ति हर जगह, तो उसे बताने के लिए यूज किया जाता है पिडेंटिक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन है आपका, ए पैलेस फॉर एयरप्लेन्स, यानी एरोप्लेन के लिए जो पैलेस होता है, स्थान होता है, उसे बताने के लिए कौन सा वन वर्ड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है हैंगर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंगर होता है विमानशाला, तो विमानशाला को बताने के लिए यूज किया जाता है हैंगर का यूज। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी है और जो डी है ये आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो ई और ए का है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है हैंगर, ये होता है आपका कपड़ा टाकने का जो हैंगर होता है उसके लिए यूज किया जाता है टाकने वाला, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी में है हैंगर, ये होता है विमानशाला। ऑप्शन नंबर ए में है गैराज। गैराज होती है जहाँ पे आप कार पार्क करते हो, यानी कार को जगह रखने की जगह को बोला जाता है गैराज। ऑप्शन नंबर सी में है फ्लीट। फ्लीट होता है एक ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जहाज़ों के समूह को बोलते हैं फ्लीट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रकार के जितने भी वोकेबलरी के क्वेश्चंस एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं वीडियो में लेता हूँ। तो वीडियो को आप जितना हो सके शेयर भी किया कीजिए। आप वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो मैं लाता रहूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मिसचीव की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो स्पेलिंग दी है वो सही है। मिसचीव, MISCHIEVOUS, मिसचीव होता है दुष्ट, दुष्ट होता है मिसचीव। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो लेफ्टिनेंट है इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लेफ्टिनेंट है इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग दी गई है वो है ऑप्शन नंबर डी वाली, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। जो और सभी हैं वो रॉन्ग स्पेलिंग है, यहाँ पे करेक्ट होगी LIEUTENANT। तो ये ल्यूटिनेंट नहीं, लेफ्टिनेंट बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।